कैंपस प्रोग्राम तुहाडा सब दा स्वागत है। अज असीं तुहानूं लैके चल रहे हाँ गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल जो कि सादिक रोड मैमुआना जिला फरीदकोट विखे स्थित है। विद्या दा तारा यह स्कूल जो कि अपने इलाके विच बहुत ही वधिया तरीके नाल मल्ला मार रहा है। इत्थे बच्चों नूं पढ़ाई दे नाल नाल कल्चरल एक्टिविटीज़ दे नाल भी जोड़ा जाता है। इत्थों दा स्टाफ बहुत ही मेहनती ते तजुर्बेकार है। साडी टीम ने स्टाफ मैंबरस नाल गलबात की, साडी टीम ने इत्थों दे स्टूडेंट्स नाल भी गलबात की जिन्हां ने GTB स्कूल की बेहद तारीफ की। साडी टीम ने प्रिंसीपल सर नाल भी गलबात की जिन्हां ने GTB स्कूल बारे सानूं विस्तार नाल जानकारी दी। प्रिंसीपल साहब, विद्या दा दानी ये स्कूल जिहड़ा पिछले लंबे समय तो सेवा कर रहा और पेंडू एरिया दे लई इक वरदान बन रहा, और जिस तरीके नाल असीं देख रहे हैं ग्रीनरी ऑक्सीजन की जिस तरीके से कोविड के लोगों को कमी रही हैगी है, हर पास ग्रीनरी ग्रीनरी, की कहना चाहोगे तुसीं? सर सब तो पहला सारे नूं सत श्री अकाल मेरे वालों। तो जिवें तुसीं खुद कहा सर कि रूरल एरिया का स्कूल है, वाकई ये बिल्कुल एक रूरल एरिया दे विच एस्टैबलिश्ड है। काफ़ी लंबे समय तो इत्थे अपनियां सेवावां दे रहा और काफ़ी ज़्यादा यानी कि नियर अबाउट 50 के करीब जो पिंड ने वो स्कूल दे नाल अटैच ने, जो बच्चे ने 50 पिंडां दे विच आउंदे ने। तो ड्यूरिंग कोविड जो बहुत ही पैंडेमिक कंडीशन दे विच साडे टीचर्स ने साडे स्टाफ ने बहुत अच्छी बहुत ही हार्ड वर्क करके जिहड़ा बच्चों नूं स्टेबल किया, स्टडी दे नाल जोड़िया, तो उहदा भी एक बहुत बड़ा योगदान है एजुकेशन दे विच। क्योंकि अज जे असीं देखिए तो लगातार 2 साल जिहड़ा आपां बच्चे घर बैठे ने ते बच्चों की स्टडी नालों बिल्कुल ही लिंक टुट गया, लेकिन टीचर्स ने अपनी कैपेबिलिटी नाल अपनी हार्ड वर्किंग दे नाल उन्होंने कोशिश की है स्टडी दे नाल जोड़न दी। तो हुण परमात्मा करे कि स्कूल रेगुलराइज हो ते बच्चे इस तरह ही कॉन्टीन्यू करते रहन स्कूल दे विच, तां इस करके उन्हां दी स्टडी जिहड़ी कॉन्टीन्यू होवे तो अगे अपने फ्यूचर दे वास्ते कोई प्लान कर सकां। सर जिदा ऑनलाइन तो ऑफलाइन होया, स्कूल्स खुले आ, खुशबू जी थोड़ी जी आई हैगी, बच्चों के कॉन्फिडेंस के लैवल वधे हैगे, बच्चों का माइंड सैटअप तुहानू डबल जिदा लेबर करनी पै रही है हुण, क्योंकि बच्चों का जिहड़ा माइंड सैटअप एक बार घर वाला बन गया, नहीं मतलब अपनी मूवमेंट्स नू चलाने वाला बन गया, मोबाइल ते ज़्यादा पॉर्न हो गए सीगे, की कहना चाहोगे कि काफ़ी डिफिकल्टी है, उसके बावजूद भी यह स्कूल जो सेवा करे? जी सर, एक्चुअली स्कूल तो टीचर्स तो हमेशा ही मतलब के रेडी ने अपने बच्चों नू अच्छी एजुकेशन देने वास्ते, अपने अच्छे गाइडलाइनस देने वास्ते। तो सारे नू पता है कि जो मोबाइल ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई तो मोबाइल एक कंपल्शन हो गई सी कि आप बच्चों मोबाइल देना ही देना, उस तो बिना बच्चों की स्टडी नहीं कर पाएंगे बच्चे। लेकिन अजकल इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो ट्रेंड है तो बच्चे दे आर वेरी शार्प, तो उन्होंने मतलब कि मोबाइल के नाल एजुकेशन तो फॉलो किया ही किया, लेकिन होर बहुत सारे जिहड़े हैगे ने फंक्शन मोबाइल दे या IT दे उन्होंने थ्रू उन्होंने भी गो थ्रू होए, तो ये काफ़ी सारिया प्रॉब्लम्स हुण भी आ रही ने कि वो मोबाइल छड्डन लई तैयार नहीं है। लेकिन असी पूरा फोर्स कर रहे हैं बच्चों नूं कि तुसी मोबाइल छड के अपना जिहड़ा हैगा स्टडी वल ध्यान दो ते अपने एग्जाम दे विच अपीयर होके अच्छे मार्क्स लो। सर आरओडी डिवेलपमेंट के लिए स्कूल जिदा मशहूर हैगा, चाहे कल्चरल एक्टिविटीज़ की गल कर लिए, गेम्स की गल कर लिए, एक बॉडी लैंगुएज की गल कर लिए, पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट की गल कर लिए, तो यह स्कूल एक ट्रांसफॉर्मेशन कर दिता है। और जिदा आईलैट्स का अजकल रुझान हैगा वो इंग्लिश स्पीकिंग राइटिंग, क्योंकि चार मॉड्यूल बंदा स्कूल से लै आता, तो स्कूल ही कोशिश कर दो कि साढ़े बच्चे जोड़े है, क्योंकि इस एरिए बहुत सारे बच्चे स्कूल के जोड़े है वो फॉरन जाके सैट हो चुके। बिल्कुल सर, असी ऑलरेडी इतने इनिशिएटिव लै चुके हैं। असी 14 तरीक तो अपने स्कूल दे विच जिहड़ियां हैगियां आईलैट्स दीआं क्लासेस ओपन कर रहे हैं, किसी अपने इमीग्रेशन कंसल्टेंट नाल साडा टाइअप होया हैगा, तो उन्होंने 14 तरीक नूं बच्चों का टैसट रख्या होया स्कूल दे विच, ते जिहड़े बच्चे अच्छे होणगे असी उन्हां नूं स्कॉलरशिप भी देवांगे, तो बहुत ही जेन्युइन फीस के उत्ते असी आईलैट्स की तैयारी करवाएंगे। थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू। सो अज असीं आए हैं विद्या दे दानी GTB स्कूल दे विच और गल कर रहे हैं बच्चों दे नाल जिहड़े काफ़ी लंबे समय तो ऑनलाइन सीगे हुण ऑफलाइन होए ने। बेटा किदां महसूस करदे हो, ऑफलाइन किदां महसूस करदे हो हुण? वधिया ही सर, वधिया। किवें हुण थोड़ा जिहा मतलब मन जिहा जिहड़ा खुश होया आ के स्कूलां च, और पेरेंट्स भी खुश है? हाँ भाई, किवें आ, ठीक लग्या? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਥੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਹਾਂ ਜੀ ਸਰ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ GTP ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਹੁਣ ਆਫਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਬਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੈਕਸ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ।
और कल्चरल एक्टिविटीज़ की गल कर लिए, आपस मिलन की गल कर लिए, बॉडी लैंग्वेज की गल कर लिए, पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट की गल कर लिए, घर बैठे गए हम ऑफलाइन वधिया ना बुढ़िया, बड़े लंबे समय के बाद ऑनलाइन तो ऑफलाइन हुए हैं, बच्चे स्कूले आने का मौका मिलया, मावं भी खुश हुई थोड़ी जी भी चल जिस तरीके उन्होंने भी लगता है कि बच्चे साढ़े उभी जाते हैं उभी जाते हैं, दिल नहीं लगता उन्होंने और टीचर्स के नो इंट्रैक्शन करते हो, नो डाउट कि ऑनलाइन के ये स्कूल ने कोई कसर नहीं छी, पर ऑफलाइन होकर ज़्यादा वधिया लग रहा। हाँ जी बिल्कुल बहुत ज़्यादा वधिया लग रहा ऑफलाइन होकर, बिकॉज टीचर्स नाल फेस टू फेस इंट्रैक्शन करते हैं जिदे करके ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनती है। और अगर आप स्कूल की गल कर लिए टीचर्स की गल कर लिए लगता कि डबल इन्होंने उत्ते बेचारियों का इंपैक्ट आ गया, क्योंकि ऑनलाइन भी इन्होंने पढ़ाया हम ऑफलाइन के ज़्यादा मेहनत करनी पै रही है इन्होंने। नहीं जी ऑनलाइन तो ऑफलाइन दोवों बहुत मेहनत करते हैं, असं ये नहीं कह सकते भी ज़्यादा उन्होंने बर्डन पै गया, क्योंकि उन्होंने कोई भी एफर्ट्स घटते नहीं है भी जो भी ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे उन्होंने एफर्ट्स उन्ने ही रेंगे ताकि असं अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकते। बेटा कितना महसूस कर दो जी टी वी? बहुत वधिया पढ़ाई इतने। यस सर। और कल्चरल एक्टिविटीज़ की गल कर लिए, गेम्स की गल कर लिए, बहुत वधिया। बेटा बॉडी लैंग्वेज की गल कर लिए, जो तुम इतने स्कूल लगे थे उस तो हम कि फर्क पै गया, लगता कि स्कूल पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट माइंड सैटअप सारा मैडम चेंज करा दी? और मैडम हमेशा पॉजिटिव रही? यस सर। बेटा कि लग रहा स्कूल पढ़ के? इंजॉय हो रहा पूरा? हाँ पुत इंजॉइंग मैडम, जिदा जी टी वी का जोड़ा है एक स्लोगन ही है कि असी सेवा करनी हैगी और पेंडू एरिए कोई भी चीज़ नहीं आती हैगी स्कूल पहल आ जाती हैगी, स्मार्ट क्लासरूम की गल सी स्कूल पहले चल रहे थे, ऑनलाइन की गल सी ऑनलाइन चल रहा है, और प्रिंसीपल इन्होंने बड़ा वधिया लै आता है डी ए वी कॉलेज वाला जोड़ा कि बहुत ज़्यादा मेहनती हैगा, और उन्हें आन सार ही मतलब जोड़ा है सेवा शुरू कर दी हैगी, और टीचर्स नू नाल लेके एक कड़ी बना ली हैगी टीचर्स की कि उन्होंने एक फैमिली एटमोसफेयर दे दिता है, की कहना चाहोगे? सर वेल इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स कि इनवायरमेंट मिले स्कूल के है ना, जी टी वी स्कूल असं यही फील कर रहे हैं कि ओवरऑल ग्रोथ हो रही है टीचर्स की भी तो स्टूडेंट्स की भी ड्यू टू द हार्ड वर्क ऑफ प्रिंसिपल एंड द टीचर्स, दे आर मेकिंग ऑल एफर्ट्स एंड एज फार एज मैनेजमेंट इज कंसर्न दे आर वेरी कॉम्प्लीमेंट्री, इवन इन द पीरियड ऑफ कोरोना दे हेल्प्ड ऑल द टीचर्स वेरी वेल। Actually, during the corona, we need the motivation, right? And the management gave all the motivation and inspiration to the students and the teachers that we appreciated. East or West? GTV provides the best. East or West? GTV provides the best. East or West? GTV.